बदलो, सही मार्ग पर चलो। हम भारतवासी हैं, सबको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सोच बदलो, सही मार्ग पर चलो। मैं हूँ आज सुबह टाइम्स। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार सभी वाहन चालकों से खास अपील, जो भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, छोटे बड़े वाहन चालक, इस कोहरे ठंड से सावधान सतर्कता से अपनी गाड़ी वाहन चलाएं। कोहरा में सावधानी रखें, सुरक्षित यात्रा करें। सभी बड़े छोटे वाहन को सुनिश्चित करना चाहिए कि ताकि आप और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहें। जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। किसी तरह से कोहरा यदि सड़क हाईवे पर चल रहे हैं, तो अधिक कोहरा पड़ रही है, तो आप आसपास आमने सामने पेड़ पौधे घर बार नहीं दिखाई दे रही है, तो अपनी गाड़ी साइड में करके कोहरा खात्मा होने तक इंतजार करें, यानी कि मौसम साफ हो जाए तभी अपनी गाड़ी वाहन चलाएं। किसी को दुख दर्द नहीं होनी चाहिए। सावधानी सेहत अपनी ख्याल रखें। और सावधानी और सभी का सबसे बड़ी मानव जीवन है। हम हर व्यक्ति सुबह काम के लिए, घर परिवार बच्चों का पालन पोषण करने के लिए बाहर जाते हैं, तरह तरह के कार्य करने के लिए, जीवन यापन करने, कोई कार्य करने के लिए, जैसे कि कोई ड्राइविंग करके कार, मोटर साइकिल आदि, या कोई ड्राइविंग पैसा कमाने के लिए ट्रक, बस, अन्य बड़ी छोटी वाहन गाड़ी चलाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं। यदि कोई कोहरा पड़ रहा है तो आप इससे रुक जाएं और सावधानी से अपनी स्वास्थ्य और घर परिवार की खुशहाली के लिए ड्राइविंग करने वाले सभी ड्राइवर प्रण करें कि या संकल्प लें, अपनी गाड़ी वाहन कोई भी हो तो आप इस ठंड में कोहरा के कारण रोड हाईवे धुंधला यदि दिखाई दे रहा है तो अपनी गाड़ी, मौसम साफ होने तक गाड़ी आप रोके रहें, खड़ी कर दें और साइड में रखें गाड़ी, नहीं तो आप और सभी गाड़ी ना चलाएं। सावधानी सतर्कता से ड्राइविंग करेंगे, क्या करें और क्या ना करें यह सब ध्यान से सुनें। अपने स्वास्थ्य, घर परिवार की ख्याल करें। गाड़ी वाहन धीमी गति से चलाएं। नंबर एक, कोहरा होने पर साइड में वाहन रोक दें। नंबर तीन, अपनी वाहन सड़क के लाइट में चलाएं और वाहन की हेडलाइट को ही बीम पर ही जलाएं। और शून्य दृष्टा की स्थिति में आप अपनी गाड़ी वाहन धीमी गति से ही चलाएं और अपनी लेन में ही रहें। वाहन की हेडलाइन को लो बीम पर ही जलाएं। शून्य दृष्टा की स्थिति में पेडेंट लेन मार्किंग सफ़ेद पट्टी के सहारे वाहन चलाएं और फॉग लाइट और डिफंगर का इस्तेमाल करें। कम दृष्टा की स्थिति में विंग सीड तथा खिड़की के शीशे साफ रखें। दारू शराब नशे करके बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाएं। कोहरे की स्थिति में वाहन रोकने पर हजार्ड लाइट चालू रखें। ट्रैक्टर, अन्य भारी वाहन में रिफ्लेक्टर्स ऑस लगवाएं और एक वाहन से दूसरे वाहन के मध्य उचित दूरी रखते हुए वाहन चलाएं, यानी कि आपकी वाहन हमेशा दूरी रहनी चाहिए। तेज गति से वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं। ओवरटेक किसी भी गाड़ी को ना करें। हेडलाइट बीम पर चलाएं। वाहन चलाते समय तेज गति से म्यूजिक ना बजाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। सड़क पर खड़ी कहीं भी
गाड़ी कोहरे के कारण आप खड़ी कर देनी चाहिए। नींद, थकान, नशे की दशा में वाहन बिल्कुल भी नहीं चलानी चाहिए। सभी ड्राइविंग करने वाले समझदार व्यक्ति बने, समझदार बने, सुरक्षित रहें और सभी किसी भी तरह से हम सभी को यदि आपातकालीन स्थिति में टोल फ्री नंबर पर आप जो है या हेल्प ले सकते हैं। सरकारी विभिन्न तरह के या कार्य आप जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, जिससे कि आप समझदार सुरक्षित बनकर अपनी गाड़ी वाहन चलाएं। किसी भी संकट के लिए आप 112 और अन्य वाहन और सरकारी वाहन नंबरों पर आप तुरंत कॉल करें। कोहरा, सावधानी, सुरक्षित सावधानी से चले। किसी भी तरह से वाहन, गाड़ी, मोटर तभी चलाएं जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो, अच्छे हो और किसी तरह से आप नशा आदि ना किए हों, तभी आप गाड़ी पकड़ें, नहीं तो अन्यथा गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। नींद, थकान, नशे की दशा में बिल्कुल भी अपनी गाड़ी ना चलाएं, नहीं तो आप अस्वस्थ रहेंगे और घर परिवार दुख सुख जिस तरह से हम सभी को या परेशानियों से जूझना पड़ता है, तो कोहरा के कारण अनेक जगहों पर कई ऐसे दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रहा है जो असावधानी से लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, कोहरा में गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आगे एक्सीडेंट होने से काफ़ी दुख प्रकट कर रहा है। कोहरा में सावधानी, सुरक्षित यात्रा करें और हम सभी को सतर्क सावधानी करने के लिए आज सुबह टाइम्स आप सभी को खास निर्देश देती है। तो आप सभी लोग संकल्प लें, प्रण करें कि कोहरा और ठंड में अधिक तेज। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।